हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? ऑप्शन है एकता, अनेकता, संकीर्ण या फिर विकीर्ण। तो इसका राइट आंसर डी होगा। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा और विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाया हुआ। अगला क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बांग्ला या फिर बांगरू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर सी होगा। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा बांग्ला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन है ज, म, ग या फिर ट। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ज का उच्चारण स्थान तालु है। ज जो है ये च वर्ग में आता है। च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। म जो है ये प वर्ग में आता है और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ग जो है ये क वर्ग में आता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ट जो है ये ट वर्ग में आता है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है सुधा, समन्वय, रंगीला या फिर मतवाला। तो इसका राइट आंसर बी होगा, समन्वय। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है नाक, नाक और मुंह, ओष्ठ या फिर मुंह। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले से हुआ हो के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अग्रणी, अग्र, अग्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। जिसका जन्म पहले से हुआ हो के लिए एक शब्द है अग्रज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन है पकवान, पारा, पंख या फिर पवन। तो इसका राइट आंसर डी होगा। पवन जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है ये पौन होता है, पौन। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? ऑप्शन है मलयालम, मराठी, कन्नड़, हिंदी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ए होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। वो लेखक हैं जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? ऑप्शन है प्रसाद, माधुर्य, ओज या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। वीर रस में ओज गुण की प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है निम्नगा, सरिता, आपगा या फिर आपदा। नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर डी होगा। आपदा जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और पंजाब। तो इसका राइट आंसर ए होगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 51, 50, 52
या फिर तिरपन। तो इसका राइट आंसर सी होगा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपकारी, अनुश्रुति, लोकोक्ति या फिर प्रतिश्रुति। तो इसका राइट आंसर बी होगा, परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द अनुश्रुति है। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यारा होना, एक कोने में पड़े रहना। तो इसका राइट आंसर सी होगा, नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी या फिर दर्शनाभिलाषी या दर्शनभिलाषी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, दर्शनाभिलाषी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है, दिनमान, ज्ञानोदय, आज तक या फिर हंस। तो इसका राइट आंसर डी होगा, प्रेमचंद्र हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर, किसी पर भी नहीं, क्रिया पर या फिर कर्ता पर। तो इसका राइट आंसर ए होगा, सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, दूसरा, दोनों, दूना या फिर दो। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, दूसरा। जो क्रमवाचक विशेषण होते हैं, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है, लता ने दो चिट्ठी लिखी, पूर्ण विराम, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठियाँ लिखी, पूर्ण विराम, लता दो चिट्ठी लिखी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, और सभी में वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा संवर्धिनी सभा कहाँ स्थापित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे ये क्वेश्चन। ऑप्शन है, देवरिया, प्रयाग, अलीगढ़ या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, भाषा संवर्धिनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई थी 1877 में। इसके संस्थापक बाबू तोताराम थे। आप लोगों को यहाँ पर हिंदी के इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, इसके बाद देखिएगा कि आपकी हिंदी कितनी मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन है, 6, 5, 7 या फिर 11। तो इसका राइट आंसर होगा 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इनमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है, श्लेष अलंकार, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? खगोल, इतिहास, समाज या फिर पाताल। तो इसका राइट आंसर ए होगा, भूगोल का विलोम शब्द खगोल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है, नीरद, अनिल, नीरज
या फिर नीरजा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नीरज जो है ये बादल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? ऑप्शन है कुरु कुरु स्वाहा, कर्मभूमि, मैला आंचल या फिर मित्रों मर जानी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है रमा शंकर शुक्ला रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधु ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीति काल को श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है और इसको तीन वर्गों में विभाजित किया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? मुल्ला वहजी, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद या फिर जायसी। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो थे वो मुल्ला दाऊद थे। इसका राइट आंसर सी होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई है, की है, या इक है या फिर आई है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। लड़ाई में जो प्रयुक्त प्रत्यय है आई है। अगला क्वेश्चन है, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना है, निबंध है, संस्मरण है या फिर काव्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। कविता का अर्थात आलोचना है और इसके जो आलोचना है इसके जो लेखक थे परमानंद श्रीवास्तव हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है परिवार, कृष्ण, मनुष्य या फिर मोहन। तो इसका राइट आंसर सी होगा। मनुष्य जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, कृष्ण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है छाया, छाएं, छाऊं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। छाया शब्द का जो बहुवचन होता है वो छाया ही होता है। अगला क्वेश्चन है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर विश्वनाथ मिश्रा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रक का तद्भव क्या है? ऑप्शन है अदरक, आद्र, अदरक या फिर अदरक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर ए होगा, अदरक। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेशन को करते रहिए, आप लोगों की हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए वहाँ सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे हिंदी में सबसे अच्छा स्कोर रहेगा आपका। इसलिए प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए और डेली करते रहिए अच्छे से। क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक यमक अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर
अधिकरण कारक, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चारपाई पर, तो इसमें चारपाई शब्द जो है वो अधिकरण कारक है। मे पे पर, जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो इसका राइट आंसर डी होगा, अविकारी जो होता है अव्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी विकारी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, आप जो होता है ये सर्वनाम है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ऑप्शन है दास्य भाव की, घृणा भाव की, प्रेम भाव की या फिर सखा भाव की। तो इसका राइट आंसर ए है, तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर प्रेमचंद्र युग। तो इसका राइट आंसर ए होगा, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेशन को कीजिए ताकि आप लोगों की हिंदी कहीं से भी गलत होने की संभावना न रहे। आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।